बेटा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं ई ई वन और टू एनसीआरटी समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि एनसीआरटी हैज नॉट डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन ई वन एंड ई टू ऑलवेज रिमेंबर न्यूक्लिफाइल इज अ स्पीशी अच हैज लव फॉर न्यूक्लियस और द पॉजिटिव सेंटर सो ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल विल गो एंड अटैक द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन दैट इज अ कार्बन पॉजिटि हाइड्रोजन ना हाइड्रोजन आइटम बहुत छोटा होता है तो बेस अगर बड़ा भी होगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचने में न्यूक्लियोफाइल को कार्बन के पास जाना होता है और उस कार्बन के पास जाना होता है जिस कार्बन पे आसपास बहुत सारे कार्बन लगे होंगे स्टेरिक स्टेरिकोफिल रिएक्शंस में न्यूक्लोफाइल केस में काफी मैटर करते हैं बेस को ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती राइट बेस हमेशा भी हो सकता है एक बार हम लोग करते हैं और भी कुछ चीजें जो आई वॉन्ट टू टेल यू ऑन स्क्रीन ओनली न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक्स इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर विच इज नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट लुक एट द एगाम्पल सोच इज अटैकिंग ऑन द कार्बन हाइविंग

एक छोटे एटम की तरफ जा रहा है तो इसको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी क्योंकि अगर ये बड़ा भी है तो बेस ऑलवेज अटैक्स ऑन द हाइड्रोजन एटम ऑलवेज रिमेंबर बेस जो होंगे वो बल्कि नहीं वो बल्कि हो सकते हैं बेस बल्कि हो सकते हैं क्योंकि उनको एब्स्ट्रैक्ट करना है लेकिन न्यूक्लियोफाइल बल्कि नहीं हो सकते हैं बिकॉज दे हैव टू रीच एट द कार्बो दैट द कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज विच इज फर्दर अटैच टू कार्बन बेस में स्टेरिक फैक्टर्स का कोई रोल नहीं होता बिकॉज बेस छोटे एटम की तरफ जाता है वेर एज न्यूक्लियोफाइल स्टेरिक फैक्टर्स बहुत रोल प्ले करते हैं बिकॉज न्यूक्लियोफाइल एक कार्बन की तरफ जा रहा है जिसके पास खुद बहुत सारे कार्बन जुड़े हुए हैं तो न्यूक्लियोफाइल एक छोटा होना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट बेस विल ऑलवेज लीड टू एलिमिनेशन एलिमिनेशन कैन बी ईदर ई वन यूनिवालिकुलर और ई टू इन केस ऑफ न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज लीड टू substitution the substitution can be sn1 or sn2 look for the separate videos of sn1 and sn2 sn1 takes place via carbocation whereas sn2 takes place via transition complex in which the reaction depends on substrate as well as on the attacking reagent that is the nucleophile इसके separate videos आप देख सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगा Always remember एलिमिनेशन में बॉन्ड्स टूट के जो नए बॉन्ड्स बनते हैं वो मल्टीपल बॉन्ड की तरफ होते हैं तो एलिमिनेशन में हमेशा मल्टीपल बॉन्ड होंगे और न्यूक्लियोफाइल में बॉन्ड का नंबर सेम रहेगा एक बॉन्ड टूटेगा और एक नया बॉन्ड बनेगा राइट सो दिस इज वन वे टू आइडेंटिफाई अ न्यूक्लियोफिलिक सब्शन और एन एलिमिनेशन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट द रिएक्शन सब्स विल डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट बट द बेस डज नॉट डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट for example if you take f minus so f minus will uh, interact with water to get a stabilized ion how if you look at the structure of water so water have got oxygen having negative charge partial negative charge and hydrogen has a partial positive charge so f minus gets stabilized by the partial positive charge of hydrogen atom so nucleophile jo hoga solvents say solvent se hoega ना इफ यू एट बेस बेस आर वेरी बल्कि बहुत ही बड़े होते हैं उनकी चार्ज डेंसिटी बहुत ही कम हो जाती है क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा होता है तो ऐसे में सॉल्वेंट विल नॉट प्ले एनी रोल सॉल्वेंट का कोई भी उनके ऊपर असर नहीं होता इन द सेम पीरियड पीरियोडिक टेबल के सेम पीरियड में अगर आप एलिमेंट्स को कंसिडर करो फॉर एग्जाम्पल कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन एंड इफ यू मेक बेस और न्यूक्लोफाइल आउट ऑफ दैम एफ माइनस ओ एच माइनस एन एच टू माइनस सी एच थ्री माइनस लेट्स गो ग्रुप वाइज एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस इसमें जब भी आप राइट साइड से लेफ्ट साइड में एक पीरियड में मूव करेंगे बेसिसिटी हमेशा इंक्रीज होगी ऑलवेज इंक्रीज करेगी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज करेगी सो एज वी मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप इन दीरियॉडिक टेबल इन अ ग्रुप ऑलवेज बेसिसिटी इंक्रीजेस हमेशा ध्यान रखिएगा सो एफ माइनस और आई माइनस को अगर आपको कंपेयर करना है तो एफ माइनस इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्ट्रांगर बेस ओ माइनस को एस माइनस को से कंपेयर करेगा तो हमेशा ओ माइनस स्ट्रांगर बेस आएगा लेकिन न्यूक्लियो में क्या होता है न्यूक्लियो विल डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट सो सॉल्वेंट दो तरीके के होते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट विच इज पोलर एंड ए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट प्रोटिक सॉल्वेंट में प्रोटॉन्स होते हैं ए प्रोटिक सोलवेंट में प्रोटॉन नहीं होगा दैट इज ओव नहीं होगा अ गुड एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिक कैन बी वाटर ओ एच है आर ओ एच अगेन इट इज ओ एच एल्कोहल इथाइल एल्कोहल अगेन ओ एच राइट ओके इवन थायोल इज ऑल्सो टेकन एज पोलर प्रोटिक बिकॉज एसिड से एच निकल सकता है ए प्रोटिक में आपके एसिटोन आ जाते हैं डीएमएसओ आ जाता है डाई मिथाइल सल्फोन ऑक्साइड जस्ट सेम स्ट्रक्चर एज कीटोन ओनली इंस्टेड ऑफ कार्बन वी हैव सल्फर राइट So, आप ध्यान रखिएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑलवेज इन अ पीरियड राइट टू लेफ्ट इंक्रीज करती है नाउ एज इन अ ग्रुप एज वी गो अप इन अ ग्रुप फ्रॉम बॉटम टू टॉप एज वी ग्रो अप द न्यूक्लियोफिलिसिटी विल डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट इफ द सॉल्वेंट इज ए प्रोटेक्ट इट विल फॉलो बेसिसिटी का ट्रेंड दैट इज इट विल इंक्रीज फ्रॉम बॉटम टू टॉप बट इफ द सोलवेंट इज पोलर प्रोटेक लेट्स एक एन एग्जाम्पल अगर F- माइनस को आप पानी से रिएक्ट करो यू गेट एच एफ एन एच टू ओ सिमिलरली एच एफ इज ए वीक एसिड सिमिलरली यू टेक आई माइनस एंड रिएक्टेड विद वाटर, आई एच आई एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसकी वजह से न्यूक्लिफिलिसिटी चेंज हो जाती है और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो न्यूक्लिफिलिसिटी पोलर प्रोटेक में बढ़ती है दैट इज ए प्रोटेक से इसका उल्टा होगा एच एन एस एच में कंपेयर करते हैं बेसिसिटी एच OH की बेटर होगी देन एस एच माइनस वाई बिकॉज ओ पीडियोडिक टेबल में ग्रुप में ऊपर आता है एस नीचे आते हैं तो डेफिनेटली ओ एच इज गोइंग टू बी अ बेटर बेस देन एस एच माइनस बट अगर आप न्यूक्लियोफिलिसिटी देखोगे तो इफ यू आर टॉकिंग ऑफ ए प्रोटिक सॉल्वेंट राइट तो उसमें बेसिसिटी और न्यूक्लिफिलिसिटी सेम होगी ओ एच माइनस विल बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन एस एच माइनस इन ए प्रोटिक सॉल्वेंट वेर एज अगर आप प्रोटिक सॉल्वेंट लोगे लाइक like वाटर रिवर्स हो जाएगा एस एच माइनस विल भी ग्रेटर दैन ओ एच माइनस लेट एस टेक मोर एग्जाम्पल लेट इस कंपेयर अमोनिया एंड अमीन एनायन राइट सो इसमें जिसके पास चार्ज होगा वो बेटर बेस होगा बेटर न्यूक्लोफाइल होगा तो डेफिनेटली एनएच टू माइनस इज ग्यूक्लियोफाइल देन एन एच थ्री मिथाइल एंड टर्ड ब्यूटाइल एनायन में टर्ड ब्यूटाइल एनायन विल बी आ Better base because it is bulky. Nucleophilicity will depend upon the type of substrate and the type of the solvent. ज यू so. अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा तो आज के बाद आपको बेस और न्यूक्लोफाइल तकलीफ नहीं होगी डिफ्रेंशिएट करने में सी इफ द चाइल्ड इज वेरी क्लियर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लिफाइल उसका पता है एलिमिनेशन और के लिए भी कंफर्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है तो चीजें आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है तो ऑल दो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको बेस और न्यूक्लिफाइल का डिफरेंस नहीं भी पता है तो ट्वेल्थ uh, का जो आपका एनसीआरटी है वो मास्टर करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी बट अगर पता है तो जर्नी और स्मूथ हो जाएगी राइट right? सो so, हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक Kiss Till then take care of yourself. God bless.